हेलो, वेलकम बैक टू द फुटबॉल मेडिको। नहीं यार, आज की वीडियो में ऐसा सच्ची कुछ बोलने को नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आज कुछ कुछ जस्टिफाई करने को नहीं है। एंड ये ऑब्वियसली मैच रिव्यू तो नहीं है चेल्सी वर्सेस न्यूटन का। अ गुड गेम स्टिल, बट ये मैच रिव्यू तो नहीं होगा। मैच से पहले जो हुआ, दिस इज अ मच बिगर थिंग फॉर एनी चेल्सी फैन जो कहीं पे भी हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आज लेजिट बस रिकॉर्ड का बटन ऑन करके बैठ गया हूँ। एंड यू विल नॉट इवन सी एडिट्स इन दिस वीडियो। भाई मेरे में हिम्मत नहीं है आज मैं इस वीडियो को एडिट कर पाऊँ बैठ के। थैंक यू रोमन विल बी द ओनली टाइटल ऑल्सो, एंड मैं ऐसे ही करूँगा। सो इन केस अगर आप अंडर द रॉक थे, एंड आप मे बी अंडर द रॉक भी नहीं, आप रात को जल्दी सो गए हो एंड यू डोंट नो क्या हुआ है। सो चेल्सी को रोमन अब्रामोविच ने फाइनली बोल दिया है, एक पब्लिक स्टेटमेंट रोमन ने दे दी है दैट ही विल बी सेलिंग चेल्सी। नॉट एन ईजी थिंग टू सिंक इन। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइफ पे अगर कुछ लोग होंगे, कल तुमने बाबा का रिएक्शन देख लिया, दैट इज वट चेल्सी मीन्स टू ऑल ऑफ अस। टॉकिंग अबाउट मी, मैं बहुत रिसेंट हूँ, मतलब बाकी सबसे, अंकित भैया, बाबा, गुरु जी से तो बहुत ज़्यादा रिसेंट फॉलोअर हूँ। एंड मे बी मोस्ट ऑफ आर ऑडियंस भी बहुत रिसेंट फॉलोअर है। 2012 में मैंने चेल्सी को फॉलो करना स्टार्ट करा, एंड जब से मुझे एक्चुअली कुछ नॉलेज है अबाउट द गेम, अबाउट माई क्लब, प्राउडली आई कैन से माई क्लब, उस क्लब के एक ही बंदा मैं जानता था हु ओन्ड इट, एंड इट वॉज रोमन अब्रामोविच। किसी भी न्यूट्रल से जब मैंने रोमन अब्रामोविच के बारे में सुना हो या फिर किसी भी और बंदे से, तो हमेशा वो जलते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ चेल्सी फैन, वेन एवर समवन आस्क्ड मी कि चेल्सी में बेस्ट क्या है, व्हाई डू यू सपोर्ट चेल्सी, या फिर हाउ इज चेल्सी सुपीरियर टू अदर्स, एक चीज जो मेरे हमेशा कोई काउंटर नहीं कर सकता था, वी हैड द बेस्ट मैन टू मैनेज अस, वी हैड द बेस्ट मैन सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की जो हमें ओन करता था। चेल्सी राइट नाउ आई विल सेज ऑर्फन हो चुकी है, मतलब वी आर इनटू ऑर्फनेज नाउ। एंड ऑब्वियसली विदाउट हिज पेरेंटिंग, विदाउट रोमन अब्रामोविच की पेरेंटिंग, वी विल फील सो। चेल्सी के लिए बहुत डिफिकल्ट, चेल्सी फैंस के लिए से बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक रोमन अब्रामोविच। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू माइट बी थिंकिंग कि इतना यंग गाय, हाउ इज ही सो कनेक्टेड टू रोमन अब्रामोविच, एंड हाउ डज ही माइट नो, क्या पता होगा इसको। यार मैं रिसेंटली ना एक आर्टिकल लिख रहा था, वेयर आई वॉज राइटिंग अबाउट फर्स्ट ट्रॉफी अंडर रोमन अब्रामोविच, एवरी फर्स्ट ट्रॉफी इन द रोमन अब्रामोविच एरा। मतलब उस ट्रॉफी में जब आई हैव टू रिसर्च व्हेन आई हैव टू राइट ऑब्वियसली, तो जब मैं वो रिसर्च कर रहा था ना, तो उस रिसर्च में आई कुड फील, जो मैं लोगों के पुराने ट्वीट्स पढ़ रहा था, चेल्सी फैंस के ट्वीट्स, पुराने जर्नलिस्ट के ट्वीट्स, आई कुड फील एवरी वर्ड व्हाट रोमन अब्रामोविच एक्चुअली ब्रॉट। व्हेन आई लिसन टू पीपल लाइक अंकित भैया हु हैज बीन फॉलोइंग चेल्सी फॉर लॉन्ग नाउ, उनके वर्ड्स से आई कैन रियलाइज व्हाट अब्रामोविच मीन्स टू द क्लब। एंड मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था टू बी ऑनेस्ट। जब वो न्यूज़ आई रात को, मैंने बाबा को पहले मैसेज करा, बाबा स्ट्रीम करनी है आज? ही सेड हाँ कर रहे हैं। आई ऑब्वियसली ज्वाइन द स्ट्रीम, बट मैं थोड़ा करेज के साथ स्ट्रीम पे आया, बट सीइंग बाबा लाइक दिस, मैं, तुम देखोगे उस स्ट्रीम के पहले 25-30 मिनट एक्चुअली आई वॉज जस्ट म्यूट, मैं नहीं बोल पा रहा था। राइट नाउ ऑल्सो आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड मे बी इफ आई विल बी अपलोडिंग दिस और नॉट, बट यार वो रोमन को लेके ना एक प्यार अलग था, एक फीलिंग अलग ही थी रोमन अब्रामोविच के रिलेटेड। ही वॉज अ वेरी, मतलब उसको बहुत क्रिटिसाइज भी करा जाता है टू बीइंग हार्श, बहुत सारे मैनेजर्स को हमने निकाला है, प्लेयर्स के साथ जो भी सिचुएशन थोड़ी बहुत हुई है एंड अराउंड द स्टेडियम एंड स्टफ, बट जो भी हो, वी ऑल नो कि चेल्सी एट दिस लेवल इज अ ग्लोबल, वो मतलब ग्लोबल लेवल पे जो चेल्सी है, दैट इज बिकॉज ऑफ रोमन अब्रामोविच। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू फॉर हिम टू, नॉट द परफेक्ट टाइम आई से, बट द ऐसे टाइम पे वो कर रहा है व्हेन ही नोज द क्लब ही इज लीविंग, द जिस क्लब को वो अपना बच्चा बोलता है, दैट आर द क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। पता था ऐसा होगा, बट वी नेवर न्यू कि ऐसा इस टाइम पे होगा। एंड अब इसकी आई डिस्कस थोड़ी सी रेपरकशंस क्या है, रेपरकशंस अबाउट द डील जो हो रही है, मे बी जो हम चेल्सी फैंस फियर कर रहे हैं। सबसे पहले, इफ अ न्यू ओनर इज कमिंग, कोई नहीं चाहता अमेरिकन ओनर्स आए, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू अमेरिकन, बट वी ऑल नो जो बाकी क्लब्स में हो रहा है, जो हमारे को क्लब्स में हो रहा है, वी डोंट वॉन्ट कि वो चेल्सी में हो। एंड साथ ही साथ एक कंसोर्टियम ना आए, वरना कंसोर्टियम कम्स
डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है. मतलब यू हैव टू आस्क सबसे, सबको यू हैव टू मेक हैप्पी, यू हैव टू कीप एवरीवन हैप्पी. वो जो रोमन अब्रामोविच के अंदर स्ट्रिक्टनेस थी ना, दैट सक्सेस ड्रिवन जो हमारा क्लब था, कि शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं है तो क्लब में से मैनेजर गया या फिर अ न्यू रिवैम्प आ गया, वो मैं रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट गाय. मुझे पसंद है इधर वी लूज और वी विन, आई कैन नॉट स्टे इन द मिडिल. मैं नहीं दे सकता वो बिल्डिंग फेज वाला चांस अपने आप को, एंड दैट इज वॉट रोमन अब्रामोविच से सीखा है, जो हमने चेल्सी से सीखा है. सक्सेस नहीं है तो लीव, नहीं चाहिए. अब वो कंसोर्टियम में नहीं होगा, एंड मे बी अब चेल्सी की फिलॉसफी थोड़ी चेंज हो जाए. व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू ओनर्स? न्यू ओनर्स में सिंपली ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यार तुम आओ तो तुम ले लो, तुम पैसा रखो, हर चीज रखो, बट नीचे की जो हायरार्की है चेंज मत करो. कीप ब्रूस बक, कीप मेरीना, कीप पीटर चेक, कीप एम आई हेज एंड एनीवन जो भी ट्रस्टी का ग्रुप था, एंड उसके बाद भी कीप थॉमस टुकल. गिव प्लेयर्स द एश्योरेंस कि जैसा था एवरीथिंग विल बी द सेम, बस ओनरशिप में चेंज है. एंड थॉमस टुकल ने अपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बोला भी कि प्लेयर्स और मैनेजर्स या स्टाफ के लिए वो थोड़ा नहीं, डेली डे टू डे बेसिस पे इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू ऑब्वियसली अब्रामोविच एवरी डे. वो मिस्टर अब्रामोविच के अंडर नहीं आते थे डे टू डे बेसिस पे, एंड इट वॉज अंडर पीपल लाइक ब्रूस पार्क, मेरीना, पीटर चेक, इन सब के अंडर थे. सो अगर उनको वो सेम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्लब की जो अभी एक हम कहूँगा बूम मिला हुआ है, या फिर हमें जो एक हम ट्रैक पे हैं, वो ट्रैक इधर उधर नहीं होगा. चेल्सी विल मूव ऑन द सेम ट्रैक एंड हम सेम तरीके से वर्क कर पाएंगे जो हम अभी कर रहे हैं, एंड मे बी जो हम वर्स फियर कर रहे हैं वो वर्स नहीं आएगा, एंड मे बी इट कुड बी बेटर डेज एज वेल, यू नेवर नो. बट एंडिंग द वीडियो आई विल जस्ट से थैंक यू सो मच अब्रामोविच, यू मेड, यू वर द ओनर ऑफ माई फर्स्ट लव. And to be honest, this is a very true fact. I don't know who all will be listening to the video, but if my genuine friends who know me off camera as well, उनको पता होगा, मेरा fix है. Every day when I chat, I do not use red hearts. It's always blue hearts in chat. In my every post, I just use blue hearts every time. For me, Chelsea is something else. And वो जब मैं कह रहा हूँ off camera, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं हर चीज से ऊपर चेल्सी को प्लेस करता हूँ, एंड दैट वाज बिकॉज मिस्टर अब्रामोविच ने ऐसा उस क्लब को रन करा है कि आई स्टार्टेड लविंग दिस क्लब सो मच. आई डोंट हैव वर्ड्स राम, थैंक यू सो मच रोमन अब्रामोविच, गेटिंग इनटू द न्यू एरा, होपिंग कि अब बेटर हो डेज, एंड वी जस्ट बिल्ड अपॉन व्हाट रोमन हैज क्रिएटेड फॉर अस एंड व्हाट रोमन इज लीविंग फॉर अस. एंड थैंक यू सो मच एक और चीज के लिए, रोमन अब्रामोविच इज नॉट टेकिंग हिज 1.5 बिलियन वाला लोन, वो रीपे नहीं मांग रहा उसका. सो नाउ इट मेक्स सेंस कि व्हाई इज क्लब बीइंग रूमर टू बी सोल्ड अराउंड 2 to 3 million के बिलियन के बीच में, सॉरी. तो नाउ इट मेक्स सेंस एंड लेट्स सी हु आर द न्यू ओनर्स, व्हाट हैपेंस. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू लेयर. आई एंड द ऑब्वियसली इट हैज टू एंड विद वन स्टेटमेंट, चेल्सी टिल आई डाई, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.